नमस्कार, इजी होम टिप्स चैनल में आपका स्वागत है। मैं संतोष चौहान, आज हम बनाने जा रहे हैं खिचड़ी। अगर आप इस तरह से खिचड़ी बनाएंगे तो आपकी जो खिचड़ी है बहुत ही टेस्टी बनेगी। चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। यहाँ पर मैंने दाल ली है, ये मैं दो लोगों के लिए खिचड़ी बना रही हूँ। तो बिल्कुल छोटी कटोरी, जो सबसे छोटी कटोरी होती है वो छोटी कटोरी दाल है और उतने ही चावल हैं। और अगर कप से मेजरमेंट बताऊं तो ये 1/3 कप है। तो चावल और दाल को अच्छी तरह से धोकर और फिर हम कुकर में डाल देंगे। अभी हमने गैस ऑन नहीं की है और डालेंगे यहाँ पर 6 1/3 कप पानी और 1/2 टीस्पून हल्दी, 1/2 टीस्पून नमक। अब कुकर को बंद कर देंगे और इसमें सीटी आने देंगे। तो 2 सीटी आ जाएं, बस इतना हमने इसको उबालना है। मेजरमेंट आप ऐसे कर सकते हैं कि कोई भी अपने छोटी कटोरी ले ली और जितनी दाल लेनी है आपने उतने ही चावल लेने हैं। दोनों की जो मात्रा है वो इक्वल रखनी है। अब सीटी 2 आ चुकी हैं और उधर हमारा कुकर है ठंडा हो रहा है। यहाँ पे कटे हुए हमने लहसुन डाले हैं और डाला है कटा हुआ अदरक। लहसुन को बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, हल्का सा जब भुन जाए लहसुन, क्योंकि बहुत ज़्यादा भून देंगे तो लहसुन की जो महक है वो आपको खिचड़ी में अच्छी नहीं लगेगी। और मिर्च डालेंगे इसमें 1/2 टीस्पून, आधा छोटा चम्मच डाला है। और 2 यहाँ पे मैंने टमाटर लिए हैं, ये कटे हुए टमाटर हैं। नमक और मिर्च आप अपने अकॉर्डिंग डालिएगा, जितना खाते हो। और इसमें डाल रही हूँ मैं ये कड़ी पत्ता, ये 5-7 पत्ते मैंने लिए और उनको थोड़ा सा काट लिया है बारीक। और ये है हरा धनिया। तो इस खिचड़ी को बनाने में आपको ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, 10 मिनट में ये खिचड़ी आपकी बनके तैयार हो जाएगी। टमाटर हमारे हल्के से सॉफ्ट हो जाएं, इतना हमने इसको पकाना है। तो 1-2 मिनट लगेंगे आपको इसमें और फिर हम इसमें डाल देंगे अपनी पके हुए चावल और दाल। खिचड़ी के लिए चावल, जो टुकड़ा चावल आता है वो भी ले सकते हैं आप। अब मिक्स कर देंगे अच्छी तरह से। अब इसमें ऊपर से डालेंगे हम घी, ये ऑप्शनल है। अगर आप डालना चाहते हैं तो डालिए, नहीं डालना चाहते तो कोई बात नहीं, पर घी से जो टेस्ट है वो अच्छा आता है। तो थोड़ा सा घी तो खाना चाहिए और ये गाय का घी है, हड्डियों को मजबूत करता है, तो घी खाना चाहिए। घी से इतना परहेज ना कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।